सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। वहाँ तो सब मोदी की झूठी निकली सब आए थे, समझे। हम लोगों को ना मजदूरी मिल रही ना कुछ मिल रही, जिनको मिलना है उनको तो मिल ही नहीं रही है। हाई पैसे वाले वही तो ले रहे हैं, गरीब आदमी को कहाँ मिल पा रही है। जिसके पास 2 बीघा 2.5 बीघा जमीन है उसको कहाँ से मिल रही है। कहीं बाहर जाओ तो वहाँ से धक्के खा के भक्के आओ, कुछ कुछ काम ही नहीं मिलता। संविधान खतरे में है, संविधान के ऊपर तो पूरी चर्चा ही सब लोग फैला रहे हैं कि संविधान गुम हो रहा है, खत्म करना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों। गैस सिलेंडर वगैरह भी मिला? बस गैस सिलेंडर मिलो बस। तो भरवा पाते हैं उसको सिलेंडर को? अरे भरवा लेते हैं, जब पैसा हो जाते नहीं का तो भरवा लेते, 6-6 महीना बचता ही नहीं। 1 किलो बाजरा 1 किलो चुनाई दही है सरकार ने, मोदी साहब ने, भैंसे भी नहीं खाएंगे उस चीज को, हैं कौन खाएगा। यही चीज देते हैं इस वोट जाने क्या फायदा है। तो अभी क्या देख रहे, किधर जा रहे आप वोट के लिए, किधर जा रहे। हम तो जो देख रहे हैं साहब का, देखो हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा नहीं, बसपा से, बसपा का, वैसे बसपा के हते ही पक्की, लेकिन आप सपा में दिए। सीसीए का चुनावी सफर इटावा लोकसभा सीट तक आ चुका है। हम अभी इटावा लोकसभा सीट के धतावली गांव में हैं और इस गांव में हम दलित समाज के बीच है। जानेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या लोगों की राय है। मैं इटावा क्षेत्र से, मैं लोकसभा से अगर प्रत्याशी की बात करूं तो बीजेपी से यहाँ डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी यहाँ चुनावी मैदान में है। वहीं सपा से जितेंद्र दोहरे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा की अगर बात करूं तो यहाँ से सारिका बघेल जी यहाँ से चुनावी मैदान में है। लोग हैं हमारे साथ, जानेंगे क्या इस बार क्या राय बने जी। क्या नाम आपका? हरिश्चंद जी। हरिचंद जी, चुनाव आ गए, क्या देख रहे हैं इस बार यहाँ? देख क्या रहे हैं, वही देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी निकल रही है, मतलब इसलिए हम तो सपा में ही अपना वो करेंगे समर्थन। क्या करते हैं आप? हम फैब्रिकेशन का काम। अच्छा, क्या रहा 10 साल, कैसे रहे आपके काम को लेकर, किस तरह से घर परिवार कैसा चला, कमाई धमाई कैसे चल रहे? ऐसे कभी खा लेते हैं कभी नहीं खा लेते हैं, और कहाँ है। रोजगार की समस्या है? रोजगार की तो समस्या है ही, वो रोजगार नहीं मिल रहा तो काम क्या करेंगे, जब रोजगार ही नहीं मिल रहा है। तो 10 सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया आपके लिए, आप जैसे लोग। 1 किलो चुनाई दही है सरकार ने, मोदी साहब ने, भैंसे भी नहीं खाएंगे उस चीज को, हैं कौन खाएगा। यही चीज देते हैं इस वोट जाने क्या फायदा है। यहाँ तो साइकिल के सपा के सब लोग मजबूत। पहले आप 19 में आपने कहा दिया था, पहले बसवा में दिया था, इस बार क्या क्यों बदलाव कर रहे हैं? इसलिए पर रहे, जो अंगेला जो आ रही बातें आ रही हैं वो बातें सब मोदी की झूठी निकली सब आए थे, समझे। हम लोगों को ना मजदूरी मिल रही ना कुछ मिल रही, करो काम तो करो नहीं करो नहीं की बात। मजदूरी नहीं बढ़ी कहीं? नहीं बढ़ी मजदूरी, समझे। 300 रुपये में गुजारा होता, मजदूरी है ही नहीं, समझे। और महंगाई का क्या हाल है, अगर मजदूरी नहीं बढ़ी? महंगाई का बहुत सस्ती चल रही है, 22 रुपया 30 रुपया 25 रुपया आटा खरीदो है, यानी कि मोदी के पास में 30 रुपया 32 रुपया आटा खरीदा हम लोगों ने, क्या कर लिया जाए। 5 किलो आटा लिया सोया मजदूरी में। मोदी जी तो कहते हैं कि भाई मैं भी मजदूर परिवार से ही हूँ, मैं भी उनके दुख दर्द समझता हूँ, क्या समझ पाए 10 साल में? डीलर को समझाया, डीलरों ने अपना घर भरा खींच खींच के, बिल्डिंग डीलरों की देखो जाके, जिन पे कुछ नहीं था डीलरों पे, हमारे गांव के डीलर हैं, देख लो 4 पहिया की गाड़ी, देख लो मोटरसाइकिल, देख लो भाई डीलर, गरीब आदमी का बचा बचा के बेच बेच मिलना है, पेट भरा। तो राशन नहीं देते? सही नहीं देते भाई साहब, बता दो 5 किलो गेहूँ, 1 किलो गेहूँ, कहूँ 1 किलो बाजरा, कहूँ 1 किलो जनड़ी, ये चीजें देते क्या देते हम लोगों ने खाने में, काफी होता है वो घर में। बहुत सारा हम 7-8 मिनट है, कहाँ मिला 2 किलो तक पेट भर जाएगा। जैसे बाजरा दे रहे हैं गर्मियों में खा सकते हैं? नहीं खा सकते। अनाज नहीं देते? अनाज नहीं देते, नहीं देते अनाज। हमारा अभी राशन कार्ड लिया, राशन कार्ड पे देख लो कितना गल्ला चढ़ा हुआ है, 5-6 किलो गल्ला मिलता, क्या मिलता है। तो इस बार बदलाव चाहिए? इन सरकार ने हमारा जो परमट आता लाल बनो तो गरीब रेखा को, वो भी काट के सफेद बना दिया, वो भी हमारा उस पर नाम, उस पर भी मेरा नाम नहीं सरकार में, काय का गल्ला मिल गया, कुछ नहीं मिल गया हमें तो।
ये तो कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, बिनई को दे रहे हैं, जो डीलर हैं तिन्हीं को पेट भर रहे हैं, जिनके 300 बीघा जमीन है, 200 बीघा जमीन है, बिना दे रहे राशन गरीब आदमी तक नहीं पहुंच, गरीब आदमी तक पहुंच रहे नहीं है। हता नाम परमिट वो भी नाम काट दिया, परमिट तक तो बने नहीं है। क्या नाम चाचा? हमारा नाम सुरेश चंद्र। सुरेश जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप इटावा? भाई हम तो बदलाव चाहे कर रहे हैं, बदलाव करेंगे और सपा को वोट देंगे, सपा को देंगे। बसपा भी है, बसपा की तरफ क्यों नहीं देख रहे इस बार समाज? वो उभर के नहीं आ रही है, जिसका बहुमत है उसके साथ हम भी चलेंगे। कई लोग जैसे कह रहे हैं कि भाई इस बार संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है। हाँ, संविधान खतरे में है, संविधान के ऊपर तो पूरी चर्चा ही सब लोग फैला रहे हैं कि संविधान गुम हो रहा है, ख़त्म करना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसा होगा तो हम बदलाव तो करेंगे भाई। ये तो जैसे बीजेपी कह रहे हैं इस बार 400 पार कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, इनके कई नेताओं के बयान आए, ये तो समय आने पे बात होगी। ये तो हम अपने वजूद के तो कभी झूठ ये तो कह ही नहीं सकते कि हमारा कम है। वो तो हर आदमी कहता है कि मेरा वजूद सबसे ज़्यादा है, लेकिन वक्त आने पर जब रिजल्ट मिलता है उसका तभी प्रमाण होता है। अच्छा, आपके गांव में पिछले 10 सालों में आपके बच्चों को कुछ नौकरियां वगैरह मिली? कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, जो था उसमें भी कम हो गया था। जो धंधे हम लोगों के चल रहे थे वो भी सब चौपट है। तो कोरोना के टाइम से हुआ या अभी? कोरोना से टाइम से, तो तब से काम धंधा जमा नहीं, कुछ नहीं जमा, सब फ्री फंड पे बैठे, जो कर लेते जमीन जायदाद में थोड़ा बहुत हो जाता तो हो जाता, नहीं तो बस जैसे गुजर हो रही तैसे हो ही रही है। क्या आप खेती करते हैं? खेती करते हैं। खेती के लिए कैसे रहे 10 साल? खेती में अब महंगाई देख रहे हैं आप, DAP कितनी है, जो बोरी 50 किलो की उस टाइम मिलती थी और वो बोरी 5 किलो कम करके 270 रुपये की भले ही कर दी है, लेकिन 5 किलो वो कम हो गई साली, घटा दिया वजन घटा दिया, तो महंगाई तो हो ही गई, महंगी तो पड़ ही गई हमको। तो रेट भी घटाए या उतना ही है? रेट तो उतना ही है, लेकिन वजन कम कर दिया 5 किलो वजन। रेट होता रहेगा, महंगे बढ़ने गए रेट, और रेट भी बढ़ गए, पहले तो रेट भी बढ़े हैं। अब 1400 की DAP है, 40-45 किलो की बोरी निकलती है, जबकि इससे पहले 800-850-900 रुपये की मिलती थी, कहाँ से खरीदे? जैसे आप खेती किसानी की बात कर रहे हैं, हम जगह जगह हम जो पीछे घूम के आ रहे हैं, एक आवारा पशुओं की खुला सांड की बहुत बड़ी समस्या। अरे इतनी समस्या है कि भाई साहब आप देखे चल के, तो हम लोगों ने जैसे डाल के दोबारा जो है गेहूँ करे है वो हम ही लोग जानते हैं। यहाँ पूरी मान लो सिटी तो है ही, मंडी की पूरी आवारा गाय सब यहाँ का जो है वो कर देती हैं, फसल खराब कर देती, कोई रोक रुकाव नहीं। अच्छा, ये सरकार से किसान सम्मान निधि मिलती है आपको? नहीं मिलती। मोदी जी तो कह रहे हैं इतने लाखों लोगों को दे दिया, किसी को जिनको मिलना है उनको तो मिल ही नहीं रही है। हाई पैसे वाले वही तो ले रहे हैं, गरीब आदमी को कहाँ मिल पा रही है? जिसके पास 2-2.5 बीघा जमीन है उसको कहाँ से मिल रही है? उसका तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है, काहे लेखपाल मांगता 1000 रुपये, 2000-4000 रुपये पहले दो तब हम वो लागू करेंगे, तो ना गरीब आदमी पैर ना ले पाएगा बेचारा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार और इससे ज़्यादा क्या भ्रष्टाचार होगा भाई, इससे ज़्यादा क्या होगा? जब गरीब पिटेगा मरेगा तो क्या होगा? क्या चाह रहे हैं इस बार, क्या देख? बदलाव चाह रहे हैं हम लोग, बदलाव किस तरह बदलाव करेंगे? देखो सपा का बहुमत मालूम पड़ेगा सपा को देंगे, बसपा का मालूम पड़ेगा बसपा को देंगे, और किसी का मालूम पड़ेगा तो और किसी को देंगे। और फूल नहीं जाएगा हमारे यहाँ से, नहीं जाएगा। क्या नाम दोस्त आपका? मेरा सुनील कुमार। सुनील भाई, करते क्या करते हैं आप? सुनील ऐसे काम करते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? ऐसे कुछ मिल जाए वही कर लेते हैं। अच्छा, मजदूरी या कुछ वैसे? कैसे रहे 10 साल, नौजवान है आप? कुछ नहीं रहे, ऐसे कहीं बाहर जाओ तो वहाँ से धक्के खा के भक्के आओ, कुछ काम ही नहीं मिलता, जहाँ जाओ मतलब खर्च महंगाई इतनी है, क्या कर लोगे उसमें? 9000-10000 रुपये में क्या कर लोगे? बाहर भी जाओगे, यहाँ साली आदमी जो कहेंगे लो हट्टे कट्टे हो गए, ये काम कर रहे हो, पढ़े लिख गए तो क्या फ़ायदा? पढ़ाई की आपने? पढ़ाई की है। कहाँ तक पढ़े आप? कहीं नहीं, 5-6 तक पढ़ाई की, ज़्यादा की होती तो फिर क्या है।
तो आपके लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था हो पाई 10 साल में, कोई नौकरी, प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी इस तरह से? कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, बिल्कुल व्यवस्था बेकार हमारे हिसाब से। तो 10 साल कैसे देखते हैं आप भाई, कुछ समाज के लिए, नौजवानों के लिए काम जी रहे हैं? जिंदगी मर जाए क्या, जिंदगी जैसी जीनी पड़ेगी वो तो जी रहे हैं। चुनाव में क्या देख रहे हैं, किधर? चुनाव में देख रहे हैं भाई, देखो चुनाव तो अब बदलने चाहिए सरकार, एक तो ये देख लिए इनमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सरकार दूसरी अगर आए तो भी अच्छा रहेगा। मोदी जी अच्छे नहीं लगे? मोदी जी क्या अच्छे लगेंगे, राशन मिला फ्री में और तो सब खत्म ही कर दिया है, बस वही खाओ और पड़े रहो और क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है। घर में किसी का आरी परेशानी हो जाए तो कहाँ से रुपये लेके आओ, शादी ब्याह करनी है बहन भाई की कहाँ से पैसे लेके आएंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई नौकरी वोकरी अच्छी मिले। बाहर जाओ 10-12 हज़ार में उतना तो खर्चा ही हो जाए, 5-6 हज़ार कमरा ले लो वो खाने पीने में निकल जाए, वहाँ से क्या बच गया है, कुछ नहीं। तो यहाँ इटावा में नहीं है आपके लिए काम, दूर जाना पड़ता है? इटावा में है मंडी में पर, लेकिन उसमें क्या फ़ायदा, उसमें सब अपने अपने कोई लगा रखे हैं समझे, ऐसा है 10 हज़ार की फांसो उसमें तो फिर वही 1,000-2,000 बच पाता है। समस्या है? समस्या बहुत है, काफ़ी नहीं बहुत समस्या है। तो कहाँ इस बार वोट कहाँ देख रहे हैं आप, किस दर इसी में देंगे? सपा में, साइकिल पे। BSP भी है एक तरफ, उधर क्यों नहीं जा रहे? BSP देखो, पहले तो BSP तो अब उनका तो नाम ही खत्म हो गया, उनने अपने आप ही खत्म कर लिया, कुछ दिखाई नहीं देता हमें तो BSP में, क्या दिखाई देता है, कौन है उनके बाद, कौन है रंजी के बाद, कोई ये दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा मुझे तो, और कोई है तो वो अपने संग नहीं लेना चाहती उन्हें, तो इसलिए क्या फ़ायदा अपना वोट बेकार करो, अपना कीमती वोट तो ऐसे टकान दे हो जाए, मतलब सही काम। क्या नाम आपका बताओ? हमारा राम नाम है राहुल कुमार। अच्छा राहुल कुमार, हाँ। राहुल जी क्या करते हैं आप? हम ठेले चलाते। ठेले चलाते, हाँ। कैसे रहे 10 साल ये आपके लिए? बढ़िया रहे। किस तरह के भाई, क्या फायदे मिले सरकार में? फायदा बहुत बढ़िया मिले, हर चीज का फायदा मिली। किस किस तरह के फायदे, थोड़ा सा बताओ, क्या आमदनी बढ़ी या क्या हुआ, या काम बिजनेस मजबूत हुआ, क्या हुआ? नहीं ठीक है, सब मिलाए के। आप कह रहे हैं ठेला लगाते हैं, तो एक मोदी जी की एक योजना है भाई, उन्होंने ठेले वालों के लिए लोन की व्यवस्था की, वो मिली आपको? अरे कहाँ मिली भैया लोन की, बड़े बड़े आदमी के पेट भज जाए, छोटे मोटे ने कहाँ मिल जाए लोन। अभी तो कह रहे थे आपकी बहुत बढ़िया रहे हैं, महंगाई का कुछ असर दिखता है? महंगाई तो बहुत टॉप की चल रही है। टॉप की कैसी, मतलब? हाँ बहुत दिक्कतें होती है, क्या होता है? दिक्कत ही होता है महंगाई के मारे। तो जो आप काम करते हैं उसमें, उस आमदनी में घर चल जाता है? हाँ चल जाता है, ढकेल तो भाई। या राशन वासन भी मिलता है? हाँ मिलते हैं, बाजरा आजा मिल जाता। तो इस टाइम बाजरा खाने लायक है? हाँ बढ़िया है, गर्मी में अच्छू है, खाओ। लोग तो घर देगी, अच्छा नहीं है गर्मी में? नहीं ठीक है। और जो लोग हैं आपके गांव में, कुछ नौकरियां, सरकारी नौकरियां कुछ मिली आपके लोगों को, आपके समाज से? समाज से किसी को नौकरी नहीं मिली। मोदी जी तो कहते 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। अरे भैया एक साल तो दे नहीं, हर साल की जाता रही। नहीं जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे को तो नौकरी नहीं मिली। मोदी जी की का काम कैसा लगा, उनकी सरकार का काम कैसा लगा? हाँ मोदी जी ठीक है सरकार, ठीक है, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं किया? हाँ चलो ठीक, चलो ठीक है। अच्छा नमस्ते चाची जी, बात हो जाएगी थोड़ी सी है? क्या नाम आपका? बुद्धि देवी। अच्छा जी, तो क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? कछु नहीं करते काम, खेती बाड़ी नहीं है, शराब पिया तो आदमी का करे। अच्छा। और काम तो हम चुनाव के बारे में बात करते, कैसे रहे आप जैसे मजदूरों के लिए, कैसे साल रहे ये 10 साल, कुछ फायदा मिला? हमारा तो राशन कार्ड नहीं बना। राशन कार्ड नहीं बना? नहीं बना। राशन भी नहीं मिलता? राशन भी नहीं मिलता। अच्छा, तो कोई और पेंशन वगैरह मिलती हो? कछु नहीं, कोई पेंशन नहीं, बाकी पैसा मिलाते कहीं मिले हैं जी, कहा बनो तो श्रम कार्ड। अच्छा, बहुत लोगों के पैसा आएगा, हमारे तो पैसों नहीं आए, श्रम कार्ड के पैसा नहीं आए। गैस सिलेंडर वगैरह भी मिला? बस गैस सिलेंडर मिलो बस। तो भरवा पाते हैं उसको सिलेंडर को? अरे भरवा लेते हैं जब पैसा हो जाते नहीं का तो भरवा लेते, 6-6 महीना बचता ही नहीं, 6-6 महीना रखा रहता है, क्या करें। तो काम धंधे की क्या स्थिति है यहाँ रोजगार की इनकी? कछु रोजगार नहीं, बस दुकान खोले हैं, बस वही तो धंधा चलाता है अलको पूरे बस। आप जैसे घर चलाते हैं, कुछ महंगाई का भी असर दिखता है आपको, फर्क पड़ता है घर चलाने में, दिक्कतें होती है? दिक्कत तो होती है, जब लड़का भी नहीं है मेरे पास, एक लड़की है, शादी करते ही बस।
तो दिक्कत तो होती है, जब खेती बाड़ी नहीं है दुकान तक कितना चलता है, बस उतनी रोटी दार चल नहीं पाती, रोटी दार नहीं, समस्याएं होती है। हाँ समस्याएं होती है। तो यहाँ आपके आपके लिए कुछ काम की व्यवस्था नहीं है इटावा में? सरकार ने कुछ व्यवस्था नहीं की? कोई व्यवस्था नहीं की सरकार ने, और फार्म वार्म डरवाई दे तो लड़का लड़की ने बस कर दे, रिजेक्ट कर दे का फायदा है। तो बच्चों को नौकरी वगैरह मिली सरकारी कुछ? नहीं, कोई नौकरी नहीं मिली। इटावा जो है, यहाँ हम बात कर रहे थे नौजवानों को नौकरियाँ वगैरह की, हम बात कर रहे थे जैसे भर्ती वगैरह आई थी तो कुछ मिली नौकरियाँ लोगों को? यहाँ पुलिस भर्ती आई आपके यहाँ गांव में, बताओ फॉर्म भरे गए तो वो रद्द कर दिए, वो तो समस्या हुई होंगी आसपास। अब बताइए भाई यहाँ क्या समस्या, क्यों नहीं भाई पैसा खर्च नहीं हो, पैसा खर्च भाई फार्म डालो कम से कम 500-600 रुपया भाई भैया हैं, सिम कार्ड बनवाए थे, बाकी बात पॉलिसी पॉलिसी आती भी अपनी, बाकी बाग खर्च पाओ सब कागज पैसा जमा हो गए सब पॉलिसी इनकी, कोई पॉलिसी का पैसा वापस भाई नहीं भाई, तो अभी तक पैसा भी वापस। हाँ तो पहले जैसे नौकरियां मिल जाती थी रिजर्वेशन में भी और उसमें भी, कुछ 10 सालों में मिली आपके गांव में आपके बच्चों? ना भैया कोई नहीं मिली, बच्चा मेरे घर में बहुत पढ़े, बी कॉम करें, डी फार्मा करें, बी कॉम दो लड़का करें, बिटिया मेरी बी ए करें मेरी हैं, जो बिटिया बी ए कर रही हैं, एक कर रही है AIM। मोदी जी तो कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, वो ऐसा कुछ मिला? अब भैया कह गाल नहीं, बाकी मैं तो मान करूँ तो गलत बहुत कर डालू हैं, बेकार जान दूसरों के दर्द बेकार जान, जो बता जो गृहस्थी वाले हैं बेदर्द जानते हैं इंसान को हैं, जिनके बच्चा है तुम्हारे तो कछु नहीं है, तुम कहा किसी को दर्द जानो, तुम तो इतना तो लाओ इतना पटक दो तुमने सेठ लोगों ने दो तुमने, हमें तुम्हें कहा था मुझे बताओ, परिवार वाला ही समझ सकता है कहे, हाँ कहे भैया नहीं समझ सका, आप ही बताओ परिवार वाला ही समझ सका। तो अभी क्या देख रहे हैं, किधर जा रहे हैं आप वोट के लिए, किधर जा रहे हैं? हम तो जो देख रहे हैं साहब का देखो हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा नहीं, बसपा से, बसपा का वैसे बसपा के हते ही पक्की, लेकिन आप सपा में दिए तो क्या ये बीजेपी को हराने के लिए आप जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकत पूरी लगे भैया है, तो रिश्तेदार मेरे हैं सब अच्छे हैं, ऐसी नहीं बढ़िया हैं। 19 में कहाँ वोट किया था? नहीं सब जानता हुई नहीं, बीजेपी में नहीं दो। अच्छा बीजेपी को नहीं दिया? ना, कभी नहीं दो बीजेपी, कभी नहीं दो। हम लोग इटावा लोकसभा के दतावली गांव में थे जहां पर हम लोगों ने दलित समाज से बातचीत की, कहीं ना कहीं लोग बदलाव चाहते हैं इस बार, और स्थिति ये है कि गांव में ना ही रोजगार की व्यवस्था है और ना ही राशन की समाज को उस तरह से व्यवस्था है, लोगों का कहना है कि बीजेपी की नीतियों से कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं और इस बार बदलाव चाहते हैं। जुड़े रहे CCA से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी, धन्यवाद।